नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। बीजेपी सरकार से कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर इतना त्रस्त हो गए हैं कि आए दिन विवादित बयान देते रहते हैं, कभी सरकार के खिलाफ तो कभी मंत्रियों के खिलाफ तो कभी कानून व्यवस्था पर। ऐसा लगता है कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का विवादों से चोली दामन का साथ है, क्योंकि एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है उन्होंने। और इस बार सरकार, मंत्री या कानून व्यवस्था पर नहीं, बल्कि फरियादियों पर विवादित बयान दिया है कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने। हुआ यूं कि कैबिनेट मंत्री का आज गाजीपुर जिले के मर्दा थाना अंतर्गत दिव्यांगों को ट्राई साइकिल बांटने का कार्यक्रम लगा हुआ था। देर से पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने तुरंत दिव्यांगों को उपकरण बांटे और सीधे मंच पर पहुंच गए। मंच पर पहुंचते ही पहले से देरी से आने के लिए सफाई दिया। उसके बाद विवादित बयान देते हुए कहा कि फरियादी रोगी की तरह है। ये सुनकर सभा में बैठे सभी लोग सन्न हो गए। मंच पर पहुंचते ही उन्होंने कहा कि मैं कभी देरी से किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंचता, और उसके बाद कहा कि प्रदेश में इतने रोगी हो गई है कि मुझे दवाई और इंजेक्शन देते देते मुझे 12.5 वर्ष हो गए। साथ ही रोगियों का विश्लेषण करते हुए कहा कि ये रोगी क्या हैं, किसी की राशन कार्ड की समस्या तो किसी की आवास की समस्या, किसी की सड़क, किसी की नाले की समस्या और किसी को नौकरी की समस्या। हर तरह के रोगी हमारे रसरा कार्यालय पर कम से कम 1200 लोग पहुंच गए। सबकी बात सुनना, सबसे मिलना, सबको संतुष्ट करना, अधिकारियों को फोन करना, इसलिए हमें विलंब हुआ। आप देख रहे हैं गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। इतने रोगी हो गए हैं प्रदेश में कि देखते देखते रोगियों को सुई और दवाई देते देते मुझे 12.5 वर्ष हैं। ये रोगी क्या है? किसी के राशन कार्ड की समस्या, किसी के आवास की, किसी के सड़क की, पुल पुलिया की, खरंजा की, किसी को रोजगार की, किसी को नौकरी की। हर तरह के रोगी रसड़ा कार्यालय पे कम से कम आज लगभग 1100-1200 लोग पहुंच गए। अब सबकी बात सुनना, सबसे मिलना, सबको संतुष्ट करना, अधिकारी को फोन करना, इस काम की वजह से आज विलंब हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।